इंडिया में जज बनने के चार रास्ते होते हैं। पहला सिविल जज था, जिस पे मैंने वीडियो बना दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं वह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये कैसे बनते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिसको ADJ भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे कहते हैं अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, इसको हम डिटेल से एक एक अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आती है एलिजिबिलिटी, तो इसमें क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का नागरिक होना मस्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है एज लिमिट, तो एज लिमिट जो है वो 35 to 45 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो उसमें स्टेट वाइज जो है आपको रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद आपका आता है लॉ डिग्री, लॉ डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 ईयर की BLLB या फिर 5 ईयर वाली लॉ डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद एटलीस्ट 7 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। और इसमें जो आपका आ जाता है सेकेंड नंबर पर, वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ADJ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें जो है आपको स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो वैकेंसी निकालती है रिक्रूटमेंट के लिए, स्टेट की हाई कोर्ट निकालती है। ADJ एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला हो गया प्रीलिम्स, इसमें आता है टिक मार्क क्वेश्चन, वो करना होता है। दूसरा हो गया मेन, इसमें रिटेन होता है। और थर्ड आपका आ जाता है इंटरव्यू, आप अगर क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप बन गए ADJ। तो ये हो गया आपका। फैसिलिटी में हम बात करने वाले, फैसिलिटी में आपको गवर्नमेंट बंगला, गवर्नमेंट व्हीकल, ड्राइवर, फ्री टेलीफोन, फ्री हाफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, कुक, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब आपका फैसिलिटी में आ गया। उसके बाद सैलरी की बात करें हम, तो हर स्टेट की ना इक्वल सैलरी होती है, सारे स्टेट जो है वो इक्वल सैलरी रखते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। तो इसमें आप देखें बेसिक जो पे होता है 51,550, और फिर DA CC एक्सेट्रा ये सब कुछ कुछ होता है, उन सब में जो है सो सारा मिला करके ग्रोस सैलरी बनती है 1,40,000। और फिर उसमें डिडक्शन वगैरह आ जाता है, NPS एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों को मिला करके नेट सैलरी जो बनती है वो बनती है 1,05,000। तो ये था हमारा ADJ कैसे बनते हैं और उसमें क्या क्या सैलरी क्या प्रोसेस, ये था, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया।